रहे कि साहब से साचे रहो, साधुन से सत भाओ, और जहान में ऐसे रहो जब जैसो हो दाओ, जब जैसो समय हो। हमें अपने परिवार में साचे रहना है, और जो दारू शराब गोश मुर्गा मटन इत्यादि खाते हैं उनसे सतर्क रहना है। अपनी वाणी उनको प्रवेश करना है, अगर प्रवेश हो जाती है बदलाव आता है तो ठीक है, वो नहीं बदलाव आता है तो अपने को मत बदलना। अपना जैसा साहब कह रहे, साहब ने कहा है कि सांच झूठ का यह संसार, ओ सांच आत्मा झूठ पसार, ओ सांचा कियो झूठे में बासा, ओ क्रम क्रम तजो झूठ की आशा। क्योंकि ये शरीर झूठा है और इसमें आत्मा फंस गई सांची। अब आत्मा तो का काम तो चलना है ये सांचे से, ये शरीर से, वो शरीर झूठा है तो शरीर झूठा है। ये झूठा शरीर इसलिए दिया है कि इस झूठे साधन से अपना काम बना लो, क्योंकि ये कर्म करने के लिए हमें काया मिली वास्तव में झूठी है। कर्म करने के लिए कर्मई उपजत कर्मई विनसत कर्मई जगत विनाशा, वो कर्म फांस फंसा सबको, सारी सृष्टि कर्म के बंधन में। और कर्म कटेगा कैसे? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन धाम मोक्ष है। जय न पाए परलोक सुधारा, इसको पाकर के अगर आपने परलोक नहीं सुधारा तो आपका जन्म व्यर्थ में चला गया। इसलिए हमें अपने परिवार में अपनी कहे मेरी सुने सुन मिले एक ही होए, कहाँ जब अपना हो। इस तरीके से हमें जहां से सतर्क रहना है, बचना है, और उसको सुधारना भी है। अगर अपना प्रयास है जहां तक सुधर जाता है तो अच्छा है, लेकिन अपना ही परिवार सुधरा रहे। साहब ने कहा है कि अपना ही परिवार हमारे जितने पंडाल में बैठे इतने ही सुधर जाए, इतने से हमारा परिवार आगे चल के बहुत बढ़ेगा। साहब ने कहा है हमें सबसे बड़ा दुख यहाँ है, कहाँ है कि मेरे ज्ञान को पाकर के और मेरे को भूल जाएं, वहां हमें दुख होता है। साहब कह रहे कि सोए हैं सो लाल हैं, जागे हैं सो लाल। जिनको ज्ञान नहीं अज्ञान दिशा में, वो भी हमारी आत्मा है, वो भी हमारे लाल है, और जागे हैं वो भी हमारे लाल है। फिर कबीर साहब से पूछा गया कि दुखी कहाँ हो आप? बोले दुखी हम यहाँ हैं कि सोए हैं सो लाल हैं, जागे हैं सो लाल, और जगे जगाए सो गए उनके बुरे हवा। अरे तुम तो जगे थे, तुम्हें तो ज्ञान था, फिर तुम बीड़ी तमाकू गुटखा शराब इत्यादि क्यों कर रहे? जैसे तो कौवा ठीक है, भीतर काला है और बाहर काला है, किसी को धोखा तो नहीं दे रहा। इस तरीके से हम तो यही कहेंगे कि जितने जो है साहब के परिवार के हैं ज्ञान वाले उतने ही सुधर जाएं तो बहुत अच्छा काम है। इसी के साथ समय कितना हो गया? समय और है साहब? एक भजन के माध्यम से हम थोड़ा समझाने